यूपी के हाथरस गैंगरेप के मामले में पुलिस और प्रशासन का एक शर्मनाक रूप सामने आया है। यहां पीड़िता के शव को उसके घर नहीं जाने दिया, बल्कि देर रात खुद पुलिस कर्मियों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस पर आरोप है कि अंतिम संस्कार के दौरान पीड़ित परिवार के एक भी सदस्य को मौजूद नहीं रहने दिया गया, बल्कि पुलिस ने खुद ही लाश चला दी। इस मामले को लेकर गांव में तनाव है। पीड़ित परिवार के समुदाय के लोग हाथरस की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथरस घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। पीएम मोदी ने सीएम योगी से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा कि पीड़िता जब जिंदा थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी, जब उस पर हमला हुआ तो सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। प्रियंका ने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। बाबरी का विवादित ढांचा ढहाए जाने को लेकर लखनऊ के स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। जज ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी की घटना अचानक हुई थी, तस्वीरों से किसी को भी गुनहगार नहीं ठहराया जा सकते। इस मामले में कुल 48 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 16 की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सोनू को एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने दिया है। ये सम्मान मिलने पर सोनू सूद ने खुशी जताई है। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस पायल घोष से यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मामले में मुंबई पुलिस ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप को समन जारी किया है। अनुराग कश्यप को कल यानी गुरुवार को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एयरलाइंस कंपनी लुफ्थांसा 30 सितंबर से 20 अक्टूबर तक जनवरी और भारत के बीच सभी शेड्यूल फ्लाइट्स को कैंसिल करेगा। एयरलाइन के मुताबिक भारतीय अधिकारियों की ओर से अक्टूबर में लुफ्थांसा की शेड्यूल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। कुछ समय से जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा और DGCA के बीच विवाद चल रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 62,23,519 हो चुकी है। इनमें 51,84,635 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 97,529 हो चुकी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रूटीन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। हालांकि उनकी पत्नी उषा नायडू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है।